देखिए दीपावली के दिन हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आवाहन हो, घर में उनका हम धूमधाम से स्वागत करें। ऐसे में लक्ष्मी जी के पैर जो है वो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से सजा कर आपकी दिवाली की डेकोरेशन में और पूजा की डेकोरेशन में चार चांद लगा जाएंगे। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा घुमाने के लिए कहूँ तो खूबसूरत दिए आपको दिखेंगे। दिवाली का त्यौहार बिना दियो के अधूरा है और पर्सनली कोई मुझसे पूछे तो मुझे दिए गिफ्ट करना बहुत अच्छा लगता है। ना सिर्फ आपकी घर की शोभा बढ़ाते बट दे एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड मुझे लगता है बिल्कुल एप्ट दिवाली गिफ्ट। एंड मजे की बात यह है कि ये हैंड पेंटेड हैं, टेराकोटा के हैं और आपकी घर की खूबसूरती तो बढ़ा ही देंगे क्योंकि स्टॉल को इतना खूबसूरत दिखा रहे हैं। तो दिवाली के दिए कुछ हटकर, पर दिक्कत यह है कि इतने खूबसूरत है कि मुझे इनमें घी डालकर जलाना शायद पसंद ना आए क्योंकि मैं इनको ऐसे ही रखना चाहूंगी। बहरहाल ये तो मेरी पर्सनल फीलिंग्स हो गई जो टेक ओवर कर रही है। यहाँ पे बहुत सी बातें हैं जो करने वाली है, बहुत सी शॉपिंग है जो करने वाली है, लेकिन फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करेंगे उन बातों पर जो कुछ अनकहीं सी है। जाते ही वंदना के जीवन में आई खुशियाँ और आज तो वंदना किसी परी से कम नहीं लग रही है। मानो वंदना किसी ड्रीम लैंड में पहुँच गई है, लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके साथ कुणाल की बेटी तारा भी है, जहाँ ये दोनों झूमती और गाती हुई नजर आ रही है क्योंकि वंदना को मानो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सारी तकलीफें खत्म हो गई है। वंदना को खुश देखकर खुद भी काफी खुश है क्योंकि वो चाहती है कि सब कुछ जादुई सा हो जाए और वंदना खुश रहे। अब तारा ने चाह लिया है तो ऐसा ही होगा ना, सब कुछ इतना परफेक्ट, इतना ड्रीमी है तो कहानी के प्रिंस को भी तो होना चाहिए। तो बस फिर क्या, जादुई दुनिया में हो गई है कुणाल की भी एंट्री। तारा इज़ इमेजिनिंग अस बोथ ऑफ अस टुगेदर। तारा इमेजिन करती है कि हम दोनों साथ में हैं और तारा वो चाहती है कि हम दोनों साथ आ जाएं। शी लव्स बंधु एंड ऑब्वियसली शी वांट्स टू बी विद बाबा। बाबा मतलब पापा किवी के बाबा है एंड तो वो दोनों के साथ रहना चाहती है। तो इमेजिन करती है कि हम दोनों यू नो एक फेरी और एक प्रिंसेस और प्रिंस और प्रिंसेस दोनों बन के हम डांस कर रहे हैं। शी इज हैविंग अ गुड टाइम। या दैट्स अबाउट इट। अब कुणाल भी किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहे हैं और आज तो तारा काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसे ये सब कुछ बिल्कुल इसी तरह चाहिए था। बहुत जल्दी ही आपको वंदु, तारा और कुणाल साथ में दिखेंगे एंड आई नो आप सब उसी का इंतज़ार कर रहे हो, बट बहुत जल्दी तीनों साथ में आने वाले हैं। अब आपने तो सुन ही लिया कि ये सब तारा चाहती है और ये उसका सपना है कि वंदना और कुणाल एक हो जाएं। अब ये जो ड्रीमी दुनिया आपको दिख रही है इसे क्रिएट करना उतना ही डिफिकल्ट होता है और उसमें उतनी ही जान भरना भी इतना आसान नहीं है। तभी तो इस ड्रीमी सीक्वेंस के लिए वंदना काफी मेहनत कर रही है। वैसे फिलहाल तो ये सिर्फ एक ड्रीम था जिसे तारा ने देखा है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हो गई है और अब व्यूवर्स को भी इनके मिलन का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।